नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर लश्कर के हमले में 8 जवान शहीद। गृह संबंधी संसदीय स्थायी समिति की एनआईए जांच की मांग। सीआरपीएफ महानिदेशक आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। अमेरिका से 145 अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र तोप खरीदेगा भारत। प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। 18 धनुष आर्टिलरी गनों के एक मुश्त उत्पादन का रास्ता साफ। भारत में ढांचागत क्षेत्र में निवेश के सीमित मौके। बीजिंग में एआईआईबी की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान। 2 से 3 अरब डॉलर की परियोजनाओं की तैयारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में उमस ने बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 46 के पार। मुंबई में मूसलाधार बारिश। असम और बिहार के सीमांचल में बाढ़ के हालात। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमला। 10 से ज्यादा की मौत। आतंकी संगठन अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के पंपोर इलाके में कल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए। साथ ही 20 से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि सुरक्षा बलों ने 2-2 आतंकियों को मार भी गिराया है। जानकारी के मुताबिक पंपोर में आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के काफिले पर अचानक हमला कर दिया। हादसे के वक्त काफिला नंबलाबल इलाके के पास था। आतंकियों ने जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने ली है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि यह घटना तब हुई जब जवान फायरिंग रेंज से वापस लौट रहे थे। रिजिजू के मुताबिक ऑल्टो में सवार 2 आतंकियों के भाग जाने की भी खबर है। 8 लोगों का शहीद हुआ है और 17 लोग घायल है और 5 गंभीर है। टोटल 22 लोगों का इंजर्ड है। कल डीजी साहब और उसके साथ में सीनियर ऑफिशियल्स श्रीनगर जा रहे हैं और उसका कार्रवाई क्या करना है वो निर्णय होगा। बस वॉज एम्बुश्ड बाय 2 टेररिस्ट हु वर कमिंग फ्रॉम टुवर्ड्स श्रीनगर साइड। दे गॉट डाउन फ्रॉम अ कार, केम इन टू द मिडल ऑफ द रोड, फायर्ड एट द व्हीकल व्हाइल दे वर व्हाइल courtesy the firing, the bus came to a halt because both the tires in the front blew up. As they were trying to rush into the bus, at that point of time, the ROP, which had heard the sound of the firing, they retaliated extremely bravely and killed both the terrorists on the spot. केंद्र सरकार की परियोजना स्मार्ट सिटी का काम शुरू हो गया। पुणे में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी से जुड़ी 14 योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को जन आंदोलन बताते हुए आने वाले कल की बुनियाद बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पुणे में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आने वाले बेहतर कल की बुनियाद बताया। इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुए कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। स्मार्ट शहर गरीबी दूर करने का माध्यम बन सकते हैं। शहर में गरीबी को पचाने की ताकत हो, गरीबी को पचा पाए, जल्दी से गरीबी को पचा पाए और उसी गरीबे से जो पचा करके जो ताकत ऊर्जा पैदा हो उससे विकास के नए आयाम पैदा करे, इस दिशा में हमने सोचा। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी में बुनियादी सुविधाओं के साथ गरीबों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। व्हाट पीपल नीड इज 24x7 वाटर सप्लाई, 24x7 इलेक्ट्रिकल सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हाउसिंग फॉर द पुअर इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट।
गरीब लोगों के लिए मकान निर्माण करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले बैच के सभी 20 स्मार्ट शहरों में परियोजना के काम की शुरुआत हो गई। स्टार्टेड टुडे फॉर जयपुर आर इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, रेस्टोरेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज, restoration and beautification of gardens and real-time information systems for bus shelters. प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में स्मार्ट नेट पोर्टल की भी शुरुआत की। सरकार ने स्मार्ट सिटी के पहले दौर में भुवनेश्वर, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद, जबलपुर, विशाखापट्टनम समेत देश के 20 शहरों का चयन किया था। इनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB की सालाना बैठक कल बीजिंग में शुरू हुई। दो दिन तक चलने वाली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी हिस्सा ले रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ढांचागत परियोजनाओं पर खासा ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत AIIB की फंडिंग के तहत आने वाली परियोजनाओं पर जल्द फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2-3 अरब डॉलर की परियोजनाओं को तैयार कर रहा है। साथ ही उन्होंने चीन के समर्थन वाले इस बैंक का कार्यालय दिल्ली में खोलने की पेशकश की है। 100 अरब डॉलर की पूंजी से पिछले साल बैंक की स्थापना हुई थी। 57 देश इसके सदस्य हैं। चीन के बाद भारत इसमें दूसरा बड़ा हिस्सेदार है। बैंक ने अब तक 4 परियोजनाओं में पैसा लगाया है। ये परियोजनाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ताजिकिस्तान में हैं। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 145 अल्ट्रा लाइट होविट्सर तोप खरीदने को मंजूरी दे दी है। रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। इस पर करीब 75 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। इनकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है। इन्हें चीन से लगती सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तैनात किया जाएगा। 25 होविट्सर गन भारत को तैयार मिलेंगी, जबकि बाकी का निर्माण भारत में होगा। बोफोर्स सौदे के 3 दशक बाद भारतीय सेना पहली बार ऐसी कोई गन खरीद रही है। अखिलेश यादव की नाराजगी के बाद समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय रद्द कर दिया है। वहीं बलराम यादव को फिर से मंत्री बनाने को हरी झंडी मिल गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय रद्द हो गया है। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में खुलकर इस मुद्दे पर राय रखी। उन्होंने साफ किया कि इस फैसले में उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी। हालांकि उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी तरह के मतभेद से साफ इनकार किया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बोलते बोलते मैंने कह दिया ना आपसे कि मुख्तार अंसारी नहीं होंगे पार्टी में। सवाल ये है कि हम विकास की दिशा में ले जा रहे हैं, इतना काम किया है 4 साल में, इसे हम क्यों मुद्दों से अलग से हटें? हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएं। वहीं मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए बलराम यादव की फिर से कैबिनेट में वापसी को भी हरी झंडी मिल गई। उस पर फैसला हो गया है कि उसका विलय समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। और दूसरा निर्णय ये हुआ कि बलराम सिंह जी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विलय का सूत्रधार बनने की वजह से बलराम यादव की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी से बागी हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के मामले में जुबानी जंग तेज हो गई है। शनिवार को पार्टी प्रमुख मायावती ने मौर्य पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया, तो जवाब देते हुए मौर्य ने पार्टी के सिद्धांतों पर सवाल खड़ा किया। इसके अलावा उनकी नई पारी किस राजनीतिक दल के साथ होगी, इसे लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी नेताओं से मुलाकात की खबरों के बाद उनके अमित शाह ब्रिगेड में शामिल होने के कयास लगने शुरू हो गए हैं। बीएसपी छोड़ने के बाद से मौर्य लगातार पार्टी पर हमला कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को बीएसपी प्रमुख मायावती ने राजधानी लखनऊ में पार्टी के विधायकों की बैठक की। इस दौरान मौर्य के विकल्प के तौर पर प्रदेश की नरैनी विधानसभा सीट से विधायक गया चरण दिनकर को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। इस मौके पर मायावती ने पार्टी में टूट रोकने के मकसद से बयान भी दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के गलत कार्यों की सजा, पार्टी के प्रति जो उन्होंने गद्दारी की है उसकी सजा उत्तर प्रदेश में मौर्य, शाक्य, कुशवा और सैनी समाज को नहीं दी जाएगी। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ क्या था कि वो अपने 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 साथ ही
अपने परिवार में सबको बीएसपी से टिकट दिलवाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने खुद के सम्मान को सर्वोपरि बताते हुए बीएसपी छोड़ने की बात कही। मायावती पर कार्यकर्ताओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मौर्य ने दावा किया कि पार्टी में अभी और उथल पुथल होना बाकी है। अभी तो आज एक तो बड़े पैमाने पर विधायक गैरहाजिर रहे, जबकि मैंने अपने तमाम समर्थक विधायकों को भी आज की बैठक में जानबूझ करके भेजा, रणनीति के तहत भेजा हूँ, क्योंकि जब तक मैं पत्ता नहीं खोलूंगा तब तक उनको वहाँ बने रहने का निर्देश है। वक्त आने पर मैं वो पत्ता खोलूंगा। हालांकि बीजेपी से हाथ मिलाने के मुद्दे पर मौर्य अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से दरवाजे बंद होने के बाद मौर्य के कमल के साथ होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार हिलाल अहमद शाह को 12,000 से ज्यादा मतों से मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महबूबा मुफ्ती को बधाई दी है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग सीट से जीत दर्ज की तो समर्थक जश्न मनाने निकल आए। महबूबा को 17,701 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के हिलाल अहमद शाह को 5,616 मत मिले। मुफ्ती साहब ने यहाँ एक डाक बेल डाली है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम पर, और जो लोगों के एहसास, लोगों के जज्बात, जो बाकी चीजें जो आज तक लोगों ने मुफ्ती साहब के उस पर एतमाद दिखाया, आज फिर दोबारा लोगों ने महबूबा जी के लीडरशिप पे एतमाद दिखाया। कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और मतदान केंद्र के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि ईवीएम पर सील नहीं लगी थी, उन्होंने इसकी शिकायत की तो धमकी दी गई। इट इज वेरी क्लियर दैट द मशीन्स हैव बीन चेंज्ड, इट इज टोटली यू नो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दे हैव चेंज्ड द मशीन्स। आई डिमांड एज कांग्रेस कैंडिडेट दिस बाय इलेक्शन शुड बी रिशूल्ड। महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन से अनंतनाग सीट खाली हुई थी। यहां 22 जून को मतदान हुआ था। विधानसभा में महबूबा की ये चौथी पारी है। वो पहली बार 1996 में विधानसभा के लिए चुनी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष ईवीकेएस इलांगोवन ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए ये कदम उठाया है। पार्टी नेता सिवरमन के मुताबिक इलांगोवन ने 15 जून को ही इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि पार्टी आलाकमान ने अब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। डीएमके के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 8 सीटों पर जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार विधायक दिनेश मोहनिया को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने उन्हें कल गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी ने पुलिस पर केंद्र के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। रात को 2 बजे मेरे घर पे 30 पुलिस वाले पहुंचे और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची पुलिस की टीम ने उन्हें एक महिला से बदसुलूकी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कई बार नोटिस के बावजूद वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए पुलिस को आरोपी विधायक को गिरफ्तार करना पड़ा। तो नोटिस दे रहे हैं, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप पुलिस का तफ्तीश नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है आपको तफ्तीश में शामिल करने का, तो इसलिए इनको उठाया, अरेस्ट किया गया है और कोर्ट में पेश करेंगे। इसके बाद गुस्साए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र के इशारे पर दिल्ली पुलिस झूठे आरोप लगाकर उनके विधायकों को गिरफ्तार कर रही है। तो ऐसे में बस उनके पास एक हथियार बचा है, पुलिस का इस्तेमाल करो और सब कुछ एकदम सब कानून कायदे सब चीजों को किनारे रख के जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से उठाया जा रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि मोदी जी बहुत बुरी तरह से बौखला गए। विधायक दिनेश मोहनिया पर पानी की किल्लत की शिकायत लेकर उनके दफ्तर आई महिलाओं को अपशब्द कहने और धक्का देने का आरोप है। इसमें से एक महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शुक्रवार को दिनेश मोहनिया पर एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन के जनमत संग्रह का असर दिल्ली पर छाया हुआ है।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जनमत संग्रह कराने का विचार रखा था, लेकिन अब इसी मुद्दे पर वो खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे अरविंद केजरीवाल की मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति बता रहे हैं। दिल्ली में ब्रिटेन की तर्ज पर जनमत संग्रह कराने के विचार पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम विरोधी दलों के निशाने पर हैं। विपक्ष का कहना है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी है। कॉन्स्टिट्यूशन है एक, अब क्योंकि इंग्लैंड में हुआ है ये, शायद वहाँ से इंस्पिरेशन उनको मिली, तो इन्होंने कहा यहाँ पर भी हम रेफरेंडम करवा देते हैं। उनकी पुलिस कमिश्नर से भी लड़ाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लड़ाई है, तो ये मैं दिल्ली के हित के लिए कह रही हूँ कि दिल्ली के हित के लिए अब आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। वहीं बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के विधायकों के कामकाज और रवैये के जरिए अपना जनमत संग्रह कर रही है। भारत का संविधान, यूके का संविधान, ये संविधान सब अलग है। रेफरेंडम तो आप करते ही आए, दिल्ली की जनता कर तो रही है रेफरेंडम, लगातार मुख्यमंत्री के ऊपर FIR हो रही है, MLAs के ऊपर FIR हो रही है। जनमत संग्रह के मुद्दे पर जानकारों का भी यही मानना है कि संविधान में इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये विचार कारगर साबित नहीं हो सकता। जानकारों के मुताबिक देश में हर 5 साल में होने वाले चुनाव ही सबसे बड़ा जनमत संग्रह है। देखिए, ये शब्द बिल्कुल संविधान में नहीं है, ये शब्द एकदम गैर संवैधानिक है, ये शब्द, ये रेफरेंडम कराना बहुत खतरनाक है, ये देश तोड़ देगा, ये गलत परंपरा बन जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर अपना बचाव करते हुए केंद्र सरकार पर उनके कामकाज में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है, चुनाव के पहले भी हमने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम आज भी अपने उस डिमांड पर कायम है और उसको सही रूप देने के लिए, सही में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट किया था कि ब्रिटेन की तरह दिल्ली में भी जनमत संग्रह होना चाहिए। नविक्रम सिंह के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। गुवाहाटी में कल किसानों ने तेल कुओं की नीलामी के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने यह प्रदर्शन तब किया जब नीलामी के लिए रोड शो होना था। कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इसके बाद 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। केंद्र सरकार ने 67 तेल कुओं की नीलामी का ऐलान किया है। इनमें से 12 असम में हैं। नीलामी की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू होगी। बिहार टॉपर्स घोटाला मामले में रूबी राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई बार नोटिस देने के बाद फिर परीक्षा देने कल रूबी राय बिहार बोर्ड पहुंची, जहां बोर्ड ऑफिस में एक्सपर्ट की टीम ने रूबी राय का टेस्ट लिया। इसके बाद वहां पहले से मौजूद पुलिस की टीम ने टेस्ट के खत्म होने के साथ ही रूबी को गिरफ्तार कर लिया। राज्य में इंटर टॉपर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विषय विशेषज्ञों की एक टीम बनाई थी और टॉपर्स को टेस्ट के लिए बुलाया था। और अब बात मौसम की। देश भर में मौसम तरह तरह के रंग दिखा रहा है। कहीं तेज गर्मी और उमस से लोगों का जीना मुहाल है, तो कहीं तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत की तरफ बढ़ने के हालात बन रहे हैं। शनिवार को राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में गर्मी लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा करती रही। भारी उमस ने लोगों की परेशानियों में और भी इजाफा किया। शनिवार को राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 42.7 डिग्री रहा। अमृतसर में कल का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस था, जबकि चेन्नई में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कल कई जगह तेज बारिश हुई। दिन दोपहर बिस्टी होते चलते बिस्टी एखन पर्यंत चलते बिस्टी थामते ना। এর মধ্যে বলা মুশকিল জল যে পরিস্থিতি আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো ঘর বাড়ি ভাঙতে হতে পারে। इधर असम में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहाँ तकरीबन 15,000 लोग जगह जगह फंसे हैं।
बिहार के सीमांचल इलाके में कई जगह बाढ़ का पानी भर गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में पिछले 3-4 दिन से लगातार हो रही बारिश का असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में भी लगातार बारिश के बाद कई शहरों में पानी घरों में भर गया। जितना पानी भर रहा है अभी हम लोग बहुत डर में है, जो किस टाइम में पानी घर में चला आएगा कोई ठिकाना नहीं। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में लोगों से समुद्र में जाते वक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। तेज बारिश जारी रहने की संभावना के बीच मुंबई समेत कई शहरों में जलभराव से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सभी को वार्ड ऑफिस में रहने की सूचना माननीय आयुक्त महोदय ने दिए। वो सूचना के मुताबिक सब सीनियर ऑफिसर्स, इंजीनियरिंग स्टाफ और एम्प्लॉयज उधर वार्ड ऑफिस में उनके काम परिस्थिति अनुरूप कर रहे हैं और मुंबई के नागरिकों को कम से कम असुविधा होगी। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में मानसून दिल्ली समेत दूसरे उत्तरी राज्यों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के अलावा हिमालयी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के राज्यों, पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में कई जगह बारिश की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर अमेरिका के वर्जीनिया में बाढ़ से 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी तादाद में लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। वर्जीनिया में एक सदी से भी ज्यादा समय से ये अब तक की सबसे भीषण बाढ़ है। वहीं चीन में भी बाढ़ से भारी तबाही मची है। तिनका तिनका जोड़कर फिर से आशियाना बसाने में जुटे लोग। ये तस्वीरें हैं अमेरिका के पश्चिमी वर्जीनिया की, जहां बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। राज्य में 100 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। 60,000 से ज्यादा इमारतों की बिजली गुल है। We've had some people that have come through that slept in their car last night. They had their animals and their children with them and they slept in their cars. And there have been some people that just haven't been able to even return to their homes at all to see what's there. कई नदियों में जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। सरकारी अधिकारियों का जोर बाढ़ में फंसे और बह गए लोगों को बचाने पर है। नेशनल गार्ड के 200 सदस्यों को बचाव अभियान में तैनात किया गया है। Our biggest challenge continues to be high water. Initial reports from our local emergency management officials indicate at least 6 counties have seen extensive structural damage. Early reports indicate more than 100 homes have been seriously damaged or destroyed. वहीं चीन में जियांगसू प्रांत में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बारिश, ओले और तूफान की वजह से शहर में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। अब भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने का काम जारी है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। अब तक यहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। सरकार की ओर से राहत और बचाव के काम युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के फैसले के बाद यूरोप में सियासी सरगर्मियां जारी हैं। हालात पर चर्चा के लिए शनिवार को इटली के प्रधानमंत्री मोंटियो रेंजी पेरिस पहुंचे। यहां उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद से मुलाकात की। दोनों नेता सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात करेंगे। इस बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने कहा है कि लगातार कटौती और बढ़ते टैक्स यूरोपीय संघ के बिखरने की वजह बन रहे हैं। इधर लंदन के मेयर सादिक खान ने मांग की है कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के अलग होने की प्रक्रिया के दौरान लंदन को अलग से बातचीत करने का मौका दिया जाना चाहिए। London was the one region in England that voted to remain in the EU. Decisively so. 60% of Londoners voted to remain. We're clearly disappointed that around the country decided to leave the EU. Our country split. My job is to bring people together, to heal those rifts. My job is also to make sure we carry on having the jobs, the trade, the investment that our city has because of being a member of the European Union. सोमालिया शनिवार दोपहर एक होटल पर हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य जख्मी हुए हैं। घटना राजधानी मोगादिशु की है। यहां होटल नासा हबलूद के बाहर आतंकवादियों ने लगातार 2 कार बम धमाके किए। स्थानीय
लोगों के मुताबिक विस्फोट के बाद गोलियों की आवाजें भी सुनाई दी। आतंकवादी संगठन अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीरिया में जारी हिंसा के बीच शनिवार को कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। सरकारी सेनाओं और रूसी विमानों ने विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी जारी रखी। इस बीच दायर अलजोर में हुए हवाई हमलों में आईएस के 16 आतंकवादी मारे गए। इस दौरान 31 नागरिकों की भी मौत की खबर है। दूसरी तरफ इदलीब में इस्लामिक स्टेट ने एक बच्ची समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। इधर उलापो में सरकारी सेना और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के बीच भीषण भिड़ंत जारी है। इस लड़ाई में आईएस के कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। और अब बात खेल की दुनिया की। भारत की तेज धावक द्रुति चंद ने रियो ओलंपिक का टिकट पक्का कर लिया है। द्रुति ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ के लिए क्वालिफाई किया है। द्रुति ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की दूसरी महिला धावक बन गई हैं। इससे पहले पीटी उषा ने 1980 में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। भारतीय निशानेबाज जीतू राय ने आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है। अजरबैजान के बाकू में आयोजित इस प्रतियोगिता में जीतू ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जोन गोजिन को हराकर रजत पदक हासिल किया। कोरियाई खिलाड़ी जोन गोजिन 3 बार के चैंपियन हैं। जीतू राय का ये 6ठा विश्व कप पदक है। बात खास शख्सियत की करते हैं। मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर की आज पुण्यतिथि है। पटकथा लेखन से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले यश जौहर ने बतौर निर्माता गाइड, ज्वेल थीफ, दोस्ताना, कुछ कुछ होता है जैसी शानदार फिल्में बनाई। यश जौहर उभरती प्रतिभाओं को निखारने के फनकार थे। आइए एक नजर डालते हैं उनके फिल्मी सफरनामे पर। ।1965 की फिल्म गाइड, इसको शूट करना कोई आसान काम नहीं था। फिल्म में बड़े सेट्स थे, तो मैसूर से लेकर राजस्थान तक की आउटडोर लोकेशंस। किसी भी निर्माता के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता था, लेकिन यश जौहर ने इस काम को इस कदर आसान बना दिया कि फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू देखते ही बनती है। विदेशी फिल्मों के प्रोडक्शन से करियर की शुरुआत करने वाले यश जौहर ने सबसे पहले सुनील दत्त की अजंता आर्ट्स के लिए काम करना शुरू किया और मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार की जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन संभाला। गाइड के अलावा उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा, ज्वेल थीफ और जब प्यार किसी से होता है के लिए काम किया। ।1976 में उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन लॉन्च किया। ।1998 में उनके बेटे करण जौहर के निर्देशन में बनी कुछ कुछ होता है फिल्म ने धर्मा प्रोडक्शन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बदल रही है रूप जिंदगी। इसे संयोग ही कहेंगे कि बतौर निर्माता उनकी आखिरी फिल्म रही कल हो न हो। प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं तुम्हें आज उनकी कमी सिर्फ धर्मा प्रोडक्शन को ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सताती है। मरते दम तक प्यार करूंगा। हर पल यहां जी भर जियो। और अब आखिर में हेडलाइंस। कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले में 8 जवान शहीद। गृह संबंधी स्थायी समिति की एनआईए जांच की मांग। सीआरपीएफ महानिदेशक आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। अमेरिका से 145 अल्ट्रालाइट होविट्ज़र तोप खरीदेगा भारत। प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी। 18 धनुष आर्टिलरी गनों के एकमुश्त उत्पादन का रास्ता साफ।
भारत में ढांचागत क्षेत्र में निवेश के असीमित मौके, बीजिंग में AIIB की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, 2-3 अरब डॉलर के परियोजनाओं की तैयारी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में उमस ने बढ़ाई मुश्किलें, राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 46 के पार, मुंबई में मूसलाधार बारिश, असम और बिहार के सीमांचल में बाढ़ के हालात। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमला, 10 से ज्यादा की मौत, आतंकी संगठन अल शबाब ने ली जिम्मेदारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए डिस्कोर्स। नमस्कार।